नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अमल। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर ऋषिकेश के परमार्थ आश्रम में सीएम धामी ने योग किया। इस दौरान कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल और सुबोध उनियाल भी मौजूद रहे। इस मौके पर सीएम धामी ने कहा है कि योग हमारी दिनचर्या का एक महत्वपूर्ण काम है, क्योंकि योग से निरोग काया प्रदान होती है, इसलिए सभी को योग करना चाहिए। इधर सीएम धामी ने परमार्थ निकेतन में सरस्वती जी के प्रांगण में जो सानिध्य में परमार्थ गंगा तट पर होने वाली दिव्य गंगा आरती है उसमें हिस्सा लिया। इससे पहले उन्होंने 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का जायजा भी लिया और स्वामी चिदानंद सरस्वती और साध्वी भगवती सरस्वती से योग महोत्सव और अन्य भावी योजनाओं पर चर्चा की। इस दौरान सीएम ने परमार्थ गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त कर रहे ऋषि कुमारों का हालचाल भी जाना। उधर दिनेशपुर खुदीराम बोस स्टेडियम में योग दिवस भव्य तरीके से मनाया गया। इस दौरान क्षेत्र के तमाम जनप्रतिनिधि और संभ्रांत के अलावा क्षेत्रीय खिलाड़ियों ने भी योग दिवस के शुभ अवसर पर कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस मौके पर योग ध्यान केंद्र के प्रशिक्षक डॉक्टर रंजना दुबे ने कहा है कि बीमारियों को दूर करने के लिए दवाई कोई माध्यम नहीं है, योग से ही स्वस्थ और बीमारियों से दूर रहा जा सकता है। ध्यान केंद्र से इस अंतर्राष्ट्रीय 8वें दिवस पे खुदीराम बोस स्टेडियम में आप लोगों का स्वागत करती हूँ। और योग तो अपने आप में अपने जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। इस COVID-19 में सभी लोग ने देख लिया है, 2 साल ये COVID-19 रहते हुए सब हर घर में योगी मनुष्य उपलब्ध मतलब आ गए हैं। तो योग तो हर जीवन में आना ही चाहिए। योग का बहुत वर्चस्व है, इससे इम्यूनिटी पावर बढ़ती है। योग का मतलब क्या होता है? योग का मतलब होता है जुड़ना। हरदोई के स्पोर्ट्स स्टेडियम में आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर लगभग 1000 लोगों ने एक साथ योग किया। इस दौरान मुख्य अतिथि के रूप में राज्य मंत्री अजीत पाल सिंह पहुंचे। स्टेडियम में डीएम एसपी सीडीओ समेत अन्य अधिकारियों के साथ साथ आम लोगों ने भी योग किया। यहां पर योग गुरु ने योग के विभिन्न फायदे भी बताए। आज 21 जून को 5 साल पहले आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा विश्व योग दिवस के रूप में स्थापित किया गया। पूरे विश्व में स्वास्थ्य दिन मनाया जाता है। आज उसी के तहत हम लोग यहाँ पर हरदोई में मना रहे हैं। हमारे संग यहाँ पर यहाँ के डीएम साहब, कप्तान साहब और हमारी यहाँ की जिला पंचायत अध्यक्ष और बहुत बड़ी संख्या में आए हुए योग करने वाले योगाचार्य जी, सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। जालौन में योग दिवस के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में यूपी सरकार के राज्य मंत्री रामकेश निषाद ने शिरकत की। इस दौरान मानवता और लंबे जीवन के लिए योग को नियमित दिनचर्या में शामिल करने की उन्होंने अपील भी की। यूपी के पीलीभीत पहुंचे प्रभारी मंत्री नरेंद्र कश्यप ने गांधी स्टेडियम में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर योग किया। साथ ही योग दिवस पर व्यायाम और योग करने के फायदे भी लोगों को गिनाए। मंत्री ने बताया कि योग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से एक दूसरे को जोड़ा जा सकता है। इसके लिए पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद से ही अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को स्वस्थ भारत समृद्ध भारत के रूप में मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर मैं सभी को बधाई देता हूँ। खासतौर से पीलीभीत के तमाम
योग प्रेमियों के जिन्होंने हजारों की संख्या में गांधी स्टेडियम में इकट्ठा होकर योग को अपनाया। हमारे जनपदीय प्रशासन ने इस योग प्राणायाम के वृद्ध आयोजन करके योग को प्रमोट करने में सरकार का साथ दिया। मैं सभी जनवासियों से, पीलीभीत वासियों से, प्रदेश वासियों से ये आग्रह भी करूंगा कि योग को, प्राणायाम को अपने जीवन का संकल्प बनाए, क्योंकि आज के परिवेश में यदि हमको स्वस्थ रहना है, मानवता को जीवित रखना है, तो योग को हमें अपने जीवन का सार बनाना पड़ेगा। योग दिवस की बधाई, और सब लोग योग करें, प्राणायाम करें, अपने जीवन को उन्नत करें, सब करें। अलीगढ़ जिला कारागार में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर योग शिविर का आयोजन हुआ। इस दौरान सभी बंदियों को योग करने के साथ साथ योग के फायदे बताए गए। इस मौके पर महिला और पुरुष कैदियों ने योग किया। बता दें कि कार्यक्रम का शुभारंभ जेल अधीक्षक पीके सिंह ने किया था। अलीगढ़ में 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर जगह जगह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में अहिल्या भाई होलकर स्टेडियम में लोगों ने पूरी श्रद्धा के साथ योग कार्यक्रम में भाग लिया। इस मौके पर DMCDO, नगर आयुक्त समेत अन्य प्रशासनिक अधिकारी पहुंचे। कोल विधायक अनिल पराशर ने भी शिरकत की। योग जो है हिंदुस्तान की विरासत है और बहुत समय तक ये लुप्त रही या लाइमलाइट में नहीं आ पाई। हम सबको इस बात का आभारी होना चाहिए कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रयासों से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसको पहचान हासिल हुई। और वो एक बात जो कभी घरों में और ये माना जाता था कि जो सन्यासियों का पद्धति है योगा, उसको जनमानस तक पहुँचाने में इसकी उनकी महती भूमिका रही, क्योंकि जब योनो के माध्यम से इसको योग दिवस को मान्यता दे दी गई 21 जून को, तो उसके कारण पूरे विश्व में इसको एक पहचान हासिल हो गई। अमेठी में 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर जिला मुख्यालय गौरीगंज स्थित जवाहर नवोदय विद्यालय में योगाभ्यास किया गया। और आपको बता दें, इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई। कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा नामित नोडल अधिकारी हिमांशु कुमार, प्रमुख सचिव समाज कल्याण विभाग समेत जिले के आला अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान छात्रों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। बलरामपुर में स्पोर्ट्स स्टेडियम में योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान आपको बता दें, सैकड़ों लोगों ने एक साथ योग किया। DM श्रुति ने दीप प्रज्वलित कर योग दिवस पर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इसके अलावा तीनों तहसीलों के सैकड़ों स्थानों पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। बस्ती में योग दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। शहीद सत्यवान सिंह स्टेडियम में भारी संख्या में पहुंचकर लोगों ने योग किया। स्टेडियम में BJP सांसद हरीश द्विवेदी, ASP और CDO भी मौजूद रहे। इस मौके पर भारी संख्या में स्कूली छात्रों ने योग किया। आपको बता दें कि खबर गोंडा से है, जहां पर जिला प्रशासन की ओर से PAC ग्राउंड में 3000 से अधिक लोगों ने एक साथ योगाभ्यास किया। PM मोदी के भाषण के बाद 7 बजे योगाभ्यास शुरू हुआ और 30 मिनट तक पूरे प्रोटोकॉल के साथ लोगों को योगा का अभ्यास कराया गया। योग के प्रणेता महर्षि पतंजलि की धरती को नर्द में आपको बता दें, लाखों लोगों ने योग करके पूरे विश्व को संदेश दिया। योग दिवस को सफल बनाने के लिए पूरे प्रदेश में मंत्रियों और नोडल अफसरों की तैनाती की गई है। वहीं जिला गोंडा के प्रमुख सचिव उद्यान एवं खाद्य संस्करण राजेश कुमार सिंह नोडल अधिकारी के तौर पर आए थे। उन्हीं के निर्देशन में पूरे जनपद में योग दिवस का आयोजन कराया गया। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर एक आयोजन हुआ, जिसमें शिमला से माननीय प्रधानमंत्री जी के अध्यक्षता में ये कार्यक्रम हुआ है। सुबह 6:20 से लेकर लगभग 7 बजे तक
जो उद्घोटन हुआ माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय राज्यपाल महोदया का और माननीय प्रधानमंत्री जी का। उसके बाद यहाँ का जो प्रोटोकॉल है उसमें 40 मिनट्स का योग होता है, उसमें सभी तरह के योग कराए गए, जिसमें हमारे शासन से आर के सिंह सर आए हुए थे, प्रमुख सचिव उद्यान, उन्होंने प्रतिभाग किया, हमारे मंडलायुक्त ने प्रतिभाग किया, पीएससी के ग्राउंड में यह आयोजन हुआ है, जिसमें सीटो साहब, पूरे आयुष विभाग ने इस कार्यक्रम को सफल बनाने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान। और अगली खबर आपको बता दें, जहां पर रामपुर में सपा नेता आजम खान ने सीधे तौर पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पर बड़ा हमला बोला है। आपको बता दें कि ये एक बड़ा हमला बोला गया है उनकी तरफ से, साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि विधान परिषद में उनको जगह खैरात में मिली है, साथ ही वो अपनी जमानत भी खो चुके हैं। देवरिया जिले के निवासी सुहेल अली ने माध्यमिक शिक्षा परिषद के हाई स्कूल की परीक्षा में 92% अंक पाकर स्कूल और गांव का मान बढ़ाया है। वहीं आपको बताते चले कि माध्यमिक शिक्षा परिषद की बीते शनिवार को जैसे ही रिजल्ट का परिणाम घोषित हुआ, सुहेल अली के परसेंटेज देखकर परिवार और स्कूल के लोग काफी खुशी से झूम उठे, जिसके बाद से ही लगातार गाँव में भी खुशी का माहौल है। इधर औरैया कोतवाली थाना क्षेत्र में एक गांव में सुबह पड़ोसी की जर्जर दीवार गिरने से सड़क के दूसरे तरफ पड़ोसी महिला और जानवर की दबकर मौत हो गई। इस दौरान एक बच्चा भी गंभीर रूप से जख्मी हो गया। बता दें कि जब महिला जानवर को चारा दे रही थी तभी यह हादसा हो गया था। फिलहाल घायल बच्चे का इलाज जारी है। वही औरैया में एक बार फिर से तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है, जहां यमुना एक्सप्रेसवे पर रोडवेज बस अज्ञात कारणों से वाहन से टकरा गई, जिसके बाद इस बस में सवार 56 यात्री थे, जिनमें से 26 बुरी तरह से जख्मी हो गए। 7 ऐसे भी लोग हैं जिनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। सूचना मिलने के बाद पुलिस ने सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती करवा दिया, जहाँ उनका इलाज चल रहा है। मैनपुरी शहर से होकर गुजरने वाली ईशन नदी के किनारे डूब क्षेत्र में हुई अवैध प्लांटिंग, और आपको बता दें निर्माण कार्यों पर प्रशासन सख्त हो गया है, कार्रवाई भी शुरू हो गई है, लेकिन निर्माण कार्य लगातार जारी है, प्रशासन इन्हें रुकवाने में नाकाम साबित हो रहा है। पहले से ही जहां सैकड़ों अवैध निर्माण हो चुके हैं, तो वहीं निर्माणाधीन भी बड़ी संख्या में हो रही है। इन्हें रुकवाने के साथ ही अवैध निर्माण को ध्वस्त कराना, इनको लेकर प्रशासन की तरफ से कार्रवाई की बात कही जा रही है। मऊ के नरई बाद पेट्रोल पंप पर 10 भर की संख्या में अराजक तत्वों ने पेट्रोल पंप पर जमकर पथराव किया। इस दौरान पेट्रोल पंप पर भी जमकर तोड़फोड़ की गई। यहाँ लगे वीडियो में ये पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई, जिसके बाद पेट्रोल पंप के मालिक के खिलाफ शिकायत दर्ज करा दी गई है। और आपको बता दें, यूपी के पीलीभीत में बीती रात खाना खाकर घर से टहलने निकले मजदूर को दबंगों ने गोली मार दी, जिसके बाद सूचना पर पहुंचे परिजनों ने आनन फानन में घायल को गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां से उसे चिकित्सकों ने बरेली हायर सेंटर रेफर कर दिया है। वहीं पुलिस परिजनों की तहरीर के आधार पर घटनास्थल का मौका मुआयना करने पहुंची और जांच में जुट गई। और इन्हीं खबरों के साथ फिलहाल के लिए मेरे साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही।